स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मणिपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे परीक्षण किया गया। कोचिंग कोर्स फॉर वुशू कोचेस नामक ये कार्यक्रम 19 मई से 26 मई तक चला, जिसमें भाग लेने वाले छात्रों को यहां वुशू के बारे में जानकारी दी गई व प्रैक्टिकली सिखाया गया। 19 मई से शुरू हुए इस कार्यक्रम के दौरान कई अतिथिगण शामिल हुए। इनमें साई मणिपुर के डायरेक्टर व स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फ्रांसिस मार्विन, वाइस चांसलर और शाइनीज कोचेस IPS मिस्टर केले, वुशु अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए द्रोणाचार्य इबोचा, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी सुहेल अहमद, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन शंभु सेठ भी शामिल थे। बंगाल के 5 नए कोच जो अब नेशनल कोच हो गए हैं, इनमें शिवानी मल्लिक, सतेन वर्मन, प्रसन्नजीत वर्मन, रितेश संघ, सिद्धार्थ तिवारी शामिल हैं। ये हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको इस तरह से, जिसमें चाइनीज एक्सपर्ट आया हुआ है और उसमें क्या है, हमारा क्या है, 3 इवेंट होता है, नान चान और टैची ग्रुप्स का अलग ताल्लुक है, असंडा का अलग है। एक्सपर्ट जो है हमारा हिंदुस्तान से 37 स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जैसे डिपार्टमेंट का है ITBP, BSF, CRPF, एयरफोर्स, ऐसे डिपार्टमेंट से भी जोड़ दिया है, और मणिपुर के भी कुछ बच्चे इसमें आए हुए हैं, प्लस साई इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है जी। तो साई का भी 16 बच्चे इसमें आए हुए हैं खेलने ऑल इंडिया से। ये मार्शल आर्ट्स में 3 बार कंटिन्यू एशियन गेम्स में मेडल दिया है, और वो मेडल तीनों मणिपुर का बच्चा का है, और तीनों अर्जुन अवार्डी जो है वो मणिपुर का है। तो चूंकि जब मणिपुर से इतना पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं ये ऑर्गेनाइज इसको यहाँ किया जाए, ताकि लोगों को ये मालूम चले कि यहाँ से लोग बाहर निकले हैं। मेन इंटेंशन इसका इसे है, और इंटेंशन इसमें ये है कि इस गेम को पॉपुलर करने के लिए एक कोचेस सेमिनार बहुत ही जरूरी है। अब इससे क्या होगा, एक प्रॉपर चैनल में पूरे हिंदुस्तान में एक ही मूवमेंट चलेगा टेक्निकल का, कोई अलग अलग नहीं कर सकता, जो भी करेगा एक साथ करना पड़ेगा। 获得了很多奖牌. The level of Wushu in India, it's already very developed and it's already in a very high level, and they have got a lot of medals. 你比如说他就获得亚洲运动会比赛的奖牌. For example, he has already got the Asian Championship, Wushu Championship gold medalist.